नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ इधर एक हफ्ते बाद, एक दो हफ्ते बाद, और विषय वस्तु है हमारे जो मर्यादित पुरुष है उन्हीं को लेकर मैं आज कविता सुनाना चाहता हूँ, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा रहा है और आज जिनके नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वो आम नागरिक हो या वो सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी कामकाज करने वाला हो। अभी आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी कि राजस्थान में एक पुलिस वाले की निर्मम हत्या कर दी, वो ही मॉब लिंचिंग, नया एक वर्ड आया है मॉब लिंचिंग, जो भीड़ तंत्र का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, और चाहे वो किसी के द्वारा भी शासित प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ग्वालियर हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ये राजस्थान की घटना है। हालांकि राजस्थान में लोगों को लग रहा था कि आप चूंकि सरकार बदली है तो थोड़ा यहाँ के लोगों के जीवन में भी बदलाव आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि शासन कोई भी करे, कोई भी दल करे, महत्व रखता है शासन करने वाला, जो शासित हमेशा दयनीय रहा है और जो शासन करने वाला है वो हमेशा एक अपना पुरजोर तरीके से उसका रहता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं, और कोई होना भी नहीं चाहिए, जो मैं कहूं वही होना चाहिए। तो ये राजस्थान में भी दिखा है, हालांकि राजस्थान में होना पहलू खान के बारे में भी सुना था कि उनके ऊपर पुलिस का FIR हो गई है, अब सुनने में आया पता नहीं कहां तक सच है, अगर सच है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये भारत भूषण जी की कविता है, ये भारत भूषण जी की फोटो मुझे गूगल में मिली है, और ये इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को हुआ था और देहावसान 17 दिसंबर 2011 को, मेरठ के रहने वाले थे, गीतकार थे और बहुत अच्छे गीत गाते थे ये, और गीत इनके लिखे हुए बहुत ही अद्भुत गीत है। और हम लोग बचपन में, अपनी जवानी में, बचपन में हमने सुना था जय सिया राम या राम राम साहब, कोई भी मिला जय राम जी या जय सिया राम ये कहते थे। तो सिया को हटा दिया गया, क्यों हटाया पता नहीं, शायद मनुवादी सोच रही होगी उसके पीछे कि सिया का कोई काम नहीं है, जय श्री राम एक उद्घोष होना चाहिए किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए, जबकि इसका ठीक विपरीत थे श्री राम, वो विपरीत इस दिशा में थे कि वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पिता का कहना मानते थे और किसी भी स्तर तक जाकर वो अपना रुख साफ कर सकते थे, अपने भाइयों से बेहद प्रेम करते थे, उन्होंने यहाँ की वानरों से बहुत प्रेम किया, वो एकदम अलग तरह के, वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो मेरा मानना है। और आज हम उन्हीं का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, जग जाहिर है, इसके बारे में ज्यादा विश्लेषण मुझे करना नहीं है, ये आप सबको पता है। तो इनकी एक कविता थी राम की जल समाधि। अब राम की जल समाधि का अर्थ क्या हुआ कि हमें पता है कृष्ण का देहांत कैसे हुआ, कैसे मरे, क्यों मरे, क्या शापित थे वो, क्या श्राप था उनके ऊपर जिस वजह से उनका देहांत हुआ, सीता का पाताल प्रवेश हुआ उसमें उनका देहांत हुआ, राम के बारे में कभी सुना नहीं गया, राम की मृत्यु कैसे हुई ये हमें पता नहीं है। तो ये इनका एक सोच है कि राम ने जब अयोध्या लौटकर आए, सारा कामकाज संभाल लिया, अपने बच्चों को भी ले आए साथ में, और भरत राजकाज देखने लगे, लक्ष्मण भी अपने
काम में व्यस्त रहने लगा। ये एक नितांत अकेला प्राणी, कहीं कुछ करने को नहीं, कुछ कोई आके सुझाव मांगे तो सुझाव देते, राजकाज कैसे चल, तो नितांत अकेले हो गए थे। और अकेला आदमी बहुत नीरस हो जाता है, उसे किसी से कोई लगाव नहीं रहता फिर धीरे धीरे बाद में। तो ये एक शाम को सूर्य ढलने के वक्त ये सरयू के किनारे जाकर बैठते, सरयू की रेती पर बैठे हैं और वहां सरयू के सतह पर इन्हें सीता की आकृति दिखाई देती है। सीता की आकृति सरयू की सतह पर हिल रही है, चल रही है, और ये देख के अचानक एकदम चौंक जाते हैं। उसी को लेकर ये कविता है, आप कविता सुनिए, कविता का आनंद लीजिए, बाकी बातें छोड़िए, दिमाग से निकालिए और रसपान कीजिए इसका। इसकी कविता है जराम की जल समाधि, भारत भूषण जी का लिखा है। और पश्चिम में ढलका सूर्य उठा, पश्चिम में ढलका सूर्य उठा वंशज सरयू की रेती से, पश्चिम में ढलका सूर्य उठा सरयू की वंशज रेती से, हारा हारा रीता रीता निशब्द धरा निशब्द योग, निशब्द अधर पर रोम रोम, निशब्द पर अधर, निशब्द अधर पर रोम रोम था टेर रहा सीता सीता, निशब्द अधर पर रोम रोम था टेर रहा सीता सीता, किस लिए रहे अब ये शरीर, किस लिए रहे अब ये शरीर, ये अनाथ मन किस लिए रहे, किस लिए रहे अब ये शरीर, ये अनाथ मन किस लिए रहे, धरती को मैं किस लिए सहूं, धरती मुझको किस लिए सहे, धरती को मैं किस लिए सहूं, धरती मुझको किस लिए सहे, तू कहाँ खो गई वैदेही, तू कहाँ खो गई वैदेही, वैदेही तू कहाँ खो गई, तू कहाँ खो गई वैदेही, वैदेही तू कहाँ खो गई, मुरझे राजीव नयन बोले कापी सरयू सरयू कापी, वैदेही तू कहाँ खो गई तू कहाँ खो, मुरझे राजीव नयन बोले कापी सरयू सरयू कापी, देवत्व हुआ था पूर्ण काम, देवत्व हुआ था पूर्ण काम, नीली माटी निष्काम, स्नेहहीन देह के लिए, स्नेहहीन देह के लिए अब सांस सांस संग्राम हुई, ये राज मुकुट ये सिंहासन, ये राज मुकुट ये सिंहासन, ये दिग्विजयी वैभव अपार, ये राज मुकुट ये सिंहासन, ये दिग्विजयी वैभव, ये प्रियाहीन जीवन मेरा, ये प्रियाहीन जीवन मेरा, सामने नदी की अगमदार, ये राज मुकुट ये सिंहासन, ये दिग्विजयी वैभव अपार, ये प्रियाहीन जीवन मेरा, सामने नदी की अगमदार, मांग रे भिखारी लोक मांग, मांग रे भिखारी लोक मांग, कुछ और मांग अंतिम वेला, वेला अंतिम वेला है, मांग रे भिखारी लोक मांग, कुछ और मांग अंतिम वेला, इन अंचलहीन आंसुओं में नहला बूढ़ी मर्यादा है, इन अंचलहीन आंसुओं में नहला बूढ़ी मर्यादा है, आदर्शों के जल महल बना, आदर्शों के जल महल बना, फिर राम मिले ना मिले तुझको, फिर ऐसी शाम ढले ना ढले, क्या बात है। ओ खंडित प्रणय बंद मेरे, ओ खंडित प्रणय बंद मेरे, किस ठोर कहां मुझको जोड़ू, ओ खंडित प्रणय बंद मेरे, किस ठोर कहां तुझको जोड़ू, कब तक पहनू ये मौन धैर्य, बोलू भी तो किससे बोलू, ओ खंडित प्रणय बंद मेरे, किस ठोर कहां तुझको जोड़ू, कब तक पहनू ये मौन धैर्य, बोलू भी तो किससे बोलू, सिमटे अब ये लीला सिमटे, बहुत हो गया, सिमटे अब ये लीला सिमटे, भीतर भीतर मूजा भरता, सिमटे सिमटे लीला सिमटे, भीतर भीतर मूजा भरता, छपसे पानी में पांव पड़ा, क्या बात है, छपसे पानी में पांव पड़ा, कमलों से लिपट गई सर, छपसे पानी में पांव पड़ा, कमलों से सिमट गई सरयू, फिर लहरों पर वाटिका खिली। सुनिए अब इसका आनंद लीजिए आप, इस कविता का यही आनंद है कि वो पैर पड़े राम के वहां और उस सरयू नदी पर उसको धीरे धीरे सारी चीजें दिखाई दे रही है, रोंगटे खड़े हुए।
फिर लहर छपसे पानी में पांव पड़ा कमलों से लिपट गई सरयू फिर लरयू फिर लहरों पर वाटिका के लिए रतिमुख सखिया नतमुख सीता क्या रतिमुख सखिया नतमुख सीता सम्मोहित मेघर बन तड़पे सम्मोहित मेघ बरन तड़पे पानी पानी घुटनों आया जब से पानी में पांव पड़ा कमलों से लिपट गई सरयू फिर लहरों पर वाटिका के लिए रतिमुख सखिया नतमुख सीता फिर लहरों पर वाटिका के लिए रतिमुख सखिया नतमुख सीता सम्मोहित मेघ बरन तड़पे सम्मोहित मेघ बरन तड़पे पानी घुटनों घुटनों आया आया घुटनों घुटनों पानी फिर धुआं धुआं फिर अंधियारा आया घुटनों घुटनों पानी फिर धुआं धुआं फिर अंधियारा लहरों लहरों धारा धारा लहरों लहरों धारा धारा व्याकुलता फिर पारा पारा क्या बात फिर एक हिरण सी किरण दे फिर एक हिरण सी किरण दे दौड़ती चली आगे आगे फिर एक हिरण सी किरण दे दौड़ती चली आंखें आगे आंखों से जैसे बन पान सदा आंखों से जैसे बान सदा दो पांव जड़े जल में आगे आंखों से जैसे बान सदा दो पांव उड़े जल में आगे पानी लो ना भी आया अब वो अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे पानी लो ना भी आया आया लो ना भी पानी जल में तम तल तम में जल बहता जल में तम तम यानी अंधकार जल में तम तम में जल बहता ठहरो बस और नहीं कहता जल में तम तम में जल बहता ठहरो बस और नहीं कहता जल में कोई जीवित देता जल में कोई जीवित देता फिर एक तपस्विनी शांत सौम्य फिर एक तपस्विनी शांत सौम्य धक धक लपटो में निर्विकार धक धक लपटो में निर्विकार सशरीर सत्य से सम्मुक्ति सशरीर सब सशरीर सत्य से सम्मुक्ति उन्माद नीर चीरने लगा पानी छाती छाती आया आया छाती छाती पानी आगे लहरें आगे लहरें बाहर लहरें आगे लहरें बाहर लहरें आगे जलता पीछे जलता केवल जलता वक्ष स्थल तक केवल जलता वक्ष स्थल तक केवल जलता जल पर निरता था नील कमल जल पर तिरता था नील कमल बिखरा बिखरा सा नील कमल जल पर तिरता था नील कमल बिखरा बिखरा सा नील कमल कुछ और सा नील कमल फिर फूटा जैसे ज्योति पर कुछ और सा नील कमल फिर फूटा जैसे ज्योति पर धरती से नब तक जगर मगर धरती से नब तक जगर मगर दो टुकड़े धनुष पड़ा नीचे धरती से नब तक जगर मगर दो टुकड़े धनुष नीचे जैसे सूरज के हस्ताक्षर जैसे सूरज के हस्ताक्षर बाहों के चंदन से घेरे क्या बात है दीपित जयमाल उठी ऊपर दीपित जयमाल उठी ऊपर सर्वस्व सौंपता शीश झुका सर्वस्व सौंपता शीश झुका लो शून्य राम लो शून्य लय क्या बात है सर्वस्व सौंपता शीश झुका लो शून्य लय फिर लहर लहर सरयू सरयू फिर लहर लहर सरयू सरयू लहरें 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 केवल तम ही तम जल ही जल 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 ही जल केवल हे राम हे राम हे राम हे राम ये कविता थी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इसे पढ़कर और इसके पीछे की भावना और सामने जो दृश्य का इन्होंने एक दृश्य दिखाया है कि राम कैसे जल में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें सारी चीजें दिख रही हैं धनुष के दो टुकड़े हो गए मैंने अद्भुत अद्भुत कविता थी अद्भुत कविता है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और ये जय श्री राम और ये सब के झगड़े छोड़िए आपस में प्यार मोहब्बत से जीना है दो दिन की जिंदगानी है एक प्यार का नगमा है बस गाते चले जाना है खुश रहें आबाद रहें और मुस्कुराते रहें यही मेरी बस एक अंतिम इच्छा है बहुत खूब